दोस्तों, भविष्य की एक झलक हर कोई देखना चाहता है। खासकर हमारी टेक्नोलॉजी के एडवांस हो जाने के कारण हम फ्यूचर को लेकर और भी उत्सुक हो जाते हैं। हमारी ये दुनिया जितने पिछली 100 सालों में नहीं बदली, वो सिर्फ 20 सालों में ही हमने वो बदलाव देख लिए हैं। और आने वाले 7 से 8 सालों में ही ये दुनिया और भी एडवांस हो जाएगी। और ये परिवर्तन का कारण बेशक नई तकनीक ही है, जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, हम आपको फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में तो नहीं बता सकते, पर भविष्य की तकनीक के बारे में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट का काम आज से ही शुरू हो चुका है और आप उसे आने वाले 10 से 20 सालों में देख सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि मैं आपको उस टेक्नोलॉजी की थोड़ी झलक दे सकूं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सबसोनिक ट्रांसपोर्टेशन हाइपरलूप। वैज्ञानिक ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक खास तरह की टेक्नोलॉजी सबसोनिक ट्रांसपोर्टेशन हाइपरलूप विकसित कर रहे हैं। रॉकेट जैसी दिखने वाली ये ट्रेन वैक्यूम से होकर गुजरती है और इसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी 3 गुना ज्यादा हो सकती है। अचानक बिजली से संपर्क टूटने, खराब मौसम और भूकंप का इस पर कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, हाइपरलूप का कार्य सऊदी अरब में लगभग खत्म होने वाली है और हमारे भारत के हैदराबाद शहर में जल्द ही आपको ये हाइपरलूप देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल पिंक लाइट फार्म्स। बढ़ती जनसंख्या की वजह से खेती योग्य जमीन कम होने लगी है। पिंक लाइट फार्म्स की मदद से घर के अंदर ऑर्गेनिक और कीटनाशक मुक्त खेती कर पाना संभव है। इस तकनीक में विशेष प्रकार की एलईडी लाइट्स का उपयोग करके आंतरिक वातावरण में खेती की जा सकती है। इतना ही नहीं, इस तकनीक में पानी भी कम खर्च होता है और खेती वर्ष में कभी भी की जा सकती है। इसका उपयोग तंबाकू, ड्रग्स और वैक्सीन की खेती में हो चुका है। नैनो टेक्नोलॉजी रोबोट्स। दोस्तों, नैनो रोबोट एक बेहद ही छोटा रोबोट है जिसका इस्तेमाल भविष्य में मेडिकल फैसिलिटी को और भी एडवांस कर देगी। दरअसल आज के डॉक्टर्स इंटरनल ऑर्गन के प्रॉब्लम को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते, पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नैनो रोबोट्स आपके बीमारी को पहचानेगा और उसे क्योर भी कर देगा। यहाँ तक कि ये नैनो रोबोट कैंसर को भी ठीक कर सकता है। फ्लाइंग कार। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की आबादी 7.5 बिलियन के करीब है, जो आने वाले 30 से 40 सालों में ही 10 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला है। इतने आबादी के कारण सड़कों में गाड़ियां चलाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए फ्यूचर में फ्लाइंग कार डेवलप किए जाएंगे जिसके इस्तेमाल से एक्सीडेंट जैसी समस्या से भी बचा जा सकता है। तो यदि आपका पायलट बनने का सपना है तो आप अपनी हसरत 30 से 40 सालों में जरूर पूरा कर पाएंगे। बायोनिक बॉडी पार्ट्स। दोस्तों, फ्यूचर में आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल आम हो जाएगा। यदि किसी दुर्घटना में किसी के शरीर के अंग अलग हो जाए तो उसे आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स लगाए जाएंगे जिसे हम अपने ब्रेन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बायोनिक बॉडी पार्ट्स रियल बॉडी पार्ट से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में भविष्य की थोड़ी झलक दिखी होगी। और यदि आप इसकी दूसरी पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।